तो फाइनली दोस्तों मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2023 यानी कि 10th पास स्कॉलरशिप 2023 का ऑनलाइन शुरू हो गया। आपको पता है कि इसके लिए फर्स्ट डिवीजन वालों को 10,000 रुपये और सेकंड डिवीजन वालों को 8,000 रुपये मिलते हैं। तो इसका ऑनलाइन शुरू होने का इंतजार आपको बहुत दिनों से था, तो फाइनली इसका 27 जुलाई से ऑनलाइन शुरू हो गया है। इस वीडियो में मैं आपको मैट्रिक पास स्कॉलरशिप, जिसको हम लोग मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना भी कहते हैं, इसकी पूरी जानकारी, ऑनलाइन कैसे करना है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन ऑनलाइन कर सकता है, आधार कार्ड में अगर हमारा डिटेल, नाम, जन्म तिथि कुछ अगर गलती हो तो क्या होगा, कैसे करेंगे, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में। एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं, लास्ट डेट वगैरह सब कुछ। तो इसके लिए हम सिंपली गूगल में सर्च करेंगे स्काईलाइट स्टडी और हमारे सामने जो सबसे ऊपर यहां पर रिजल्ट आएगा उसको हम सिंपली क्लिक करके ओपन कर लेंगे और यहां पर ऊपर में ही हमें एक पोस्ट नजर आएगा मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2023 इसका ऑनलाइन शुरू, यहां से करें अप्लाई। तो सिंपली इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे और इसको ओपन करने के बाद आपको सारी जानकारी यहां मिलने वाली है। देखिए यहां पर डेट डाल दिया गया है कि 27 जुलाई से इसका ऑनलाइन शुरू हो चुका है। अब ये 8,000 किसको मिलता है, तो जो बच्चे एससी एसटी के हैं और सेकंड हैं। अगर आप जनरल हैं, बीसी वन हैं, बीसी टू हैं और सेकंड हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एससी एसटी के हैं और अगर सेकंड डिवीजन से पास हैं, लड़का हो या लड़की हो, उसको 8,000 मिलेगा। और अगर एससी एसटी के बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की हो, अगर फर्स्ट डिवीजन से पास हैं, तो ये 10,000 रुपये मिलेगा। अब 10,000 किसको मिलता है और मैं बता दूं, तो अगर आप जनरल के हैं, अगर आप बीसी टू के हैं, अगर आप बीसी वन के हैं और अगर आप फर्स्ट डिवीजन से पास हैं, तो लड़का हो या लड़की हो, 10,000 रुपये आपको मिलेगा। सेकंड वाला पैसा केवल एससी एसटी को मिलता है और किसी कैटेगरी को नहीं मिलता है, ये क्लियर समझ लीजिए। अब इसके आगे हम बात करते हैं कि ये जो लास्ट डेट बार बार पूछते हैं बच्चे की, लास्ट डेट क्या है। तो फिलहाल देखिए अप्लाई तो शुरू हुआ 27 जुलाई से और अभी इसका कोई लास्ट डेट घोषित नहीं किया गया है। लास्ट डेट अभी फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए लास्ट डेट के बारे में निश्चिंत रहिए। लेकिन फिर भी देर नहीं करना है कि हाँ भाई लास्ट डेट नहीं है तो हम इत्मीनान से हैं, नहीं, जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी पैसा आएगा। तो फिलहाल कोई लास्ट डेट नहीं है, जैसे ही लास्ट डेट की घोषणा होगी इसी पोस्ट में डाल दिया जाएगा, आपको सूचना उसकी दे दी जाएगी। और यहां पर मैं एक बात और बता दूं कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि हम ऑनलाइन कर देंगे तो ऑनलाइन करने के कितने दिनों के बाद हमारा पैसा आएगा, तो देखिए इसका भी कोई फिक्स डेट नहीं होता है, पैसा आने का कोई फिक्स डेट नहीं होता है, ये पूरी तरह से बिहार के शिक्षा विभाग पर डिपेंड करता है। ऑनलाइन आप कर दीजिए, आपका वेरिफिकेशन अगर जल्दी हो जाएगा तो पैसा जल्दी आ जाएगा और अगर उसमें देर होगी तो पैसे में देर भी हो सकती है, इसका कोई फिक्स डेट नहीं है। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हाँ भाई हम ऑनलाइन करेंगे तो कितने दिन के बाद पैसा आएगा, ये स्पष्ट डेट बताना मुश्किल होता है। अब हम आगे बता दें आपको कि आधार सीडिंग को बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपका अकाउंट आधार सीडेड नहीं है तो ये मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा, इसलिए अपने अकाउंट को आधार सीडिंग भी जरूर करवा लें। और आधार सीडिंग क्या होता है, कैसे करें, इसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है या फिर इस लिंक पर भी क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं, अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरा अकाउंट आधार सीडेड है कि नहीं, क्योंकि नहीं होगा सीडेड तो आपका पैसा नहीं आएगा। इसके बाद देखिए कुछ शर्तें आपको माननी होगी, कुछ शर्तों का आपको फॉलो करना होगा। आपका बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है, लड़का हो या लड़की दोनों को मिलेगा यह पैसा, आपका फर्स्ट और सेकंड किसी भी डिवीजन से 10th पास होना जरूरी है, सेकंड में उसी को मिलेगा जो एससी एसटी को हो, एक परिवार से 2 छात्र ही अप्लाई कर सकते हैं लेकिन लड़कियों पर यह नियम लागू नहीं होता है। आगे देखिए कुछ और जानकारी आपको मिलेगी, जैसे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे मैट्रिक पास स्कॉलरशिप के लिए, डॉक्यूमेंट की जरूरत क्या क्या पड़ेगी। तो 10th क्लास यानी मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट यानी आपके अपने नाम से खुला हुआ खाता। इसके अलावा इस बार ना एक चेंज किया गया है कि 2 मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, एक मोबाइल नंबर से ऑनलाइन नहीं होगा और दोनों मोबाइल अलग अलग होना चाहिए, एक मोबाइल अलग और दूसरा मोबाइल भी अलग, यानी दोनों मोबाइल यूनिक इस्तेमाल करना होगा, 2 मोबाइल नंबर एक फॉर्म में। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो 2 मोबाइल से आप फॉर्म भरेंगे, ये दोनों मोबाइल सिर्फ एक ही फॉर्म में यूज करना होगा, दूसरे फॉर्म में उसी मोबाइल नंबर को नहीं आप यूज कर सकते। दूसरी बात कि अगर आपका आधार किसी और मोबाइल नंबर से लिंक हो, अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई और मोबाइल नंबर लिंक हो और आप ये फॉर्म भरते वक्त कोई और मोबाइल नंबर डालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज भी बच्चे पूछते हैं कि हमारे आधार में कोई और मोबाइल नंबर जोड़ा हुआ है, हमारे अकाउंट में कोई और मोबाइल नंबर जोड़ा हुआ है, तो हम इस ऑनलाइन में कौन सा मोबाइल नंबर डालें, तो आप कोई भी डाल सकते हैं, सेम भी डाल सकते हैं, अलग भी डाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ज्वाइंट अकाउंट भी यूज नहीं करना है आपको, ज्वाइंट अकाउंट अगर है तो अकाउंट खुलवा लें, ये सारे बैंक के अकाउंट आपको यूज नहीं करना है, इसमें पैसा नहीं आएगा। अब यहां पर देखिए गाइडलाइन में भी बहुत कुछ दिया गया जो आप पढ़ सकते हैं। लिंक की बात करें तो सारा लिंक जो है मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 10th पास स्कॉलरशिप के लिए एक्टिवेट कर दिया गया है, यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, यहां से अपना लिस्ट में नाम देख सकते हैं, यहां से अपना नाम और अकाउंट नंबर वेरीफाई कर सकते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो यहां से देख सकते हैं, फाइनलाइज करने के लिए जिनका पेंडिंग है वो यहां से देख सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस यहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा तो यूजर आईडी पासवर्ड आने के बाद लॉगिन यहां से करके सबमिट करना होगा, फाइनल सबमिट करना होगा।
और अगर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आता है तो यहाँ से क्लिक करके अपना यूजर आईडी पासवर्ड मंगवा सकते हैं, और फिर जिनका पेमेंट के लिए रेडी हो चुका है उनका यहाँ से आप लिस्ट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, आधार हो गया, ये सब अपलोड करना पड़ता है, तो फोटो आप मोबाइल से खींच करके उसको PDF बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं, और कैसे बनाना है उसका वीडियो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारे लिंक डाले हुए हैं। देखिए सिंपली क्या करना होगा आपको, यहाँ से करें ऑनलाइन जो लिखा हुआ है अप्लाई हेयर पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुलेगा और अगले पेज में ही आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर सिंपली कुछ आपको चेकबॉक्स मिलेंगे, उन चेकबॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़ना होता है। तो ये पेज खुल गया, यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स दिए गए हैं, यहाँ तीन जगह पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो साइन लग जाएगा, यहाँ पर तीनों पर टिक लगाकर कंटिन्यू या जो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज जो रजिस्ट्रेशन पेज कहलाता है मैट्रिक पास स्कॉलरशिप के लिए, वो पेज खुल जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन पेज खुल चुका है, सिंपली यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट अपना चुन लेना है, यहाँ पर आपका मैट्रिक वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, और उसके बाद यहाँ मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से नाम डाल देना है, यहाँ अपना मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, यहाँ मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से आपको अपने पिता का नाम डालना होगा, यहाँ मैट्रिक के मार्कशीट हिसाब से अपने माता का नाम डालना होगा, और मैट्रिक में जितना नंबर आपका आया है वो नंबर आपको यहां डालना होगा, 300, 305, 310, 350, 390 जो भी आया है यहां डालना होगा। यहां पर आपको फर्स्ट या सेकंड जो डिवीजन से आप पास हुए मैट्रिक और डिवीजन चुन लेना है, यहां पर अपना कैटेगरी यानी आप जनरल से हैं, BC2 से हैं, BC1 से हैं, SC से हैं, ST से हैं, वो चुन लेना होगा, और मैट्रिक का रोल नंबर आपको यहां डाल देना होगा, रोल कोड को छोड़ करके जो रोल नंबर है वही डालना होगा, मैरिड में ऑलरेडी नो है तो छोड़ दीजिए उसको। इसके बाद देखिए यहां पे आधार वेरिफिकेशन है, यहाँ पर आपको आधार में जो नाम है वही डालना है, मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से नहीं, आधार के हिसाब से डालना है, और यहाँ पर जेंडर मेल या फीमेल चुन लेना है, और यहाँ पर 12 अंकों का आधार नंबर डाल देना है, और यहाँ जो है ये डेट ऑफ बर्थ डालना है लेकिन आधार के हिसाब से डालना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक के मार्कशीट में अलग है और आधार कार्ड में अलग है, या फिर नाम में पिता के नाम में अगर कोई अंतर है, तो सिंपली ऊपर जो मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से था उसमें तो मार्कशीट के हिसाब से डालना है, लेकिन यहाँ जो आधार आप देख रहे हैं यहां पर आपको आधार के हिसाब से डालना होगा, और उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करना होगा। ऊपर जो मैट्रिक वाला था वो मैट्रिक के हिसाब से, यहां जो आधार वेरिफिकेशन में जो इतना कॉलम बना हुआ है इसमें जो आधार के हिसाब से डालना होगा वही डालना है आप। तो यहां पर जब डालिएगा, वेरीफाई कीजिएगा, वेरीफाई हो जाएगा तो आपका अप्लाई हो जाएगा। ये मतलब यह हुआ कि अगर नाम में एक आध लेटर का अंतर है, अगर डेट ऑफ बर्थ में अंतर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पैसा मिल सकता है, आपको मिला भी है, मैंने खुद किया था पिछली बार इंटर में, नाम अलग था, डेट ऑफ बर्थ अलग था, मतलब आधार में अलग था, इंटर के मार्कशीट में अलग था, तो फिर भी मैंने अप्लाई किया और पैसा भी आया था। उसके बाद ये काम करने के बाद आगे क्या करना है कि पहला मोबाइल नंबर यहां डालना है, दूसरा मोबाइल नंबर यहां डालना है, और वेरीफाई विथ OTP पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक बॉक्स खुल जाएगा OTP डालने का, और वेरीफाई करने का एक जो है यहां पर आपको बटन मिल जाएगा, उसी तरह से दोनों काम करना है, ईमेल आईडी डाल करके वेरीफाई पर क्लिक करना है और यहां भी उसको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, सब डिटेल चेक कर लेंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे, उसके बाद वेट करना है, यूजर आईडी पासवर्ड आएगा, और अगर 10 दिन में नहीं आया, 15 दिन में नहीं आया तो फिर वही गेट यूजर आईडी पासवर्ड जो मैंने आपको लिंक दिखाया था पिछले पेज पर, वहां से आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड मंगाना है। तो ये ऑनलाइन करने का पूरा तरीका मैं बहुत जल्द आपको खुद से एक बच्चे का ऑनलाइन करके दिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो में मैंने आपको केवल समझा दिया है कि तब तक आप चाहें तो अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।